कैसे हैं आप लोग? चलिए सब अच्छे हैं, स्वस्थ है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संत थॉमस के ऑफिशियल चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है और ये क्लास 8 का पार्ट 2 है, ज्योग्राफी, वो भी चैप्टर 2, लैंड एंड सॉइल रिसोर्स। पार्ट 1 में तो बहुत कुछ बता चुके थे हम। पार्ट 1 में लैंड यूजेस का हम कल दो तरह का बताए थे, एक फिजिकल बताए थे और एक हम कौन सा बताए थे कि ह्यूमन बताए थे, फिजिकल और ह्यूमन बताए थे, जिसमें अभी हम इस पार्ट में आप लोगों को फिजिकल के बारे में पूरा डिटेल से बता रहे हैं। और खासकर आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जरूर लिख लीजिए कि हम लोग का क्या क्या है। हम वाटर और सनशाइन के बारे में नहीं बता लिखे हैं, लेकिन वाटर और सनशाइन के बारे में हम बोल देंगे इस पर, और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टोपोग्राफी में। अब ये टोपोग्राफी क्या होता है, कल के बारे में हम बताए थे जहां पर हम लोग का माउंटेन, वैली, प्लेटूज ये सब आता है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, टोपोग्राफी का रीजन में आ जाएगा। जिस पर ये हम लोग के लिए नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये हम लोग के लिए एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए सुटेबल नहीं है। माउंटेन में क्या खेती कर सकते, नहीं कर सकते। वैली में क्या खेती कर सकते, नहीं कर सकते। या प्लेटू रीजन में हम लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जितना प्लेन रीजन में जिस तरह का खेती होता है उस तरह हम लोग का प्लेटू रीजन में खेती नहीं हो पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, टोपोग्राफी तो समझ गए होंगे, जिसमें माउंटेन, वैली, प्लेटू जहां पर हम लोग का नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन प्लेटू रीजन में हम लोग का खेती होता है, लेकिन हम लोग के लिए उतना जितना हम लोग का खेती नहीं, जितना हम लोग प्लेन एरिया में जितना हम लोग उम्मीद करते 100% खेती होता है, लेकिन हम लोग का प्लेटू रीजन में उतना खेती नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं सॉइल, मतलब मिट्टी। देखिए सॉइल हम लोग का समझ दो प्रकार का होता है, एक फर्टाइल सॉइल होता है और एक हम लोग का कौन सा होता है, इनफर्टाइल सॉइल। तो सबसे पहला फर्टाइल सॉइल तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं इनफर्टाइल सॉइल का। इनफर्टाइल सॉइल कहां कहां पर पाया जाएगा, सबसे पहला डेजर्ट याद है ना, डेजर्ट कहां पर है, थार डेजर्ट, जहां पर है थार डेजर्ट कहां पर है, राजस्थान में डेजर्ट। फिर उसके बाद आएगा माउंटेन रीजन, आपका सियाचिन ग्लेशियर में चले जाइए या फिर जहां बर्फीली इलाका है तो क्या वो भी डेजर्ट ही पाया जाएगा। क्या वहां पर क्या हम लोग ये कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते। इट्स मीन्स वो क्या हो गया, हम लोग का इनफर्टाइल हो गया, मतलब कि वो उपजाऊ जमीन नहीं है जिस पर हम लोग खेती नहीं कर सकते। और फर्टाइल किसको बोलते हैं, जहां पर हम लोग का उपजाऊ है, जहां पर हम लोग अच्छा तरह से क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जहां पर हम लोग का बहुत सारा सॉइल पाया जाएगा, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन दिस फर्टिलिटी रीजन, जहां फर्टिलिटी रीजन में जहां पर हम लोग का सॉइल पाया जाएगा। लेकिन हम एक और सॉइल से हम आपका कनेक्ट करते हैं वाटर को, हम पानी को क्यों कनेक्ट करते हैं, मतलब कि जहां पर हम लोग का डेल्टा, पानी ही ना है जहां पर हम लोग का डेल्टा बनाता है, तो जहां पर डेल्टा बनाएगा तो वहां का मिट्टी हमेशा क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा, उपजाऊ रहेगा। जहां पर हम लोग का वाटर का, जहां पर नदी रहता है, नदी बहता है, वहां का बगल का जमीन हमेशा क्या रहता है, बहुत ही फर्टाइल रहता है, उपजाऊ रहता है मिट्टी, जहां पर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इसलिए हम वाटर के बारे में नहीं इस पर लिखे। अब वाटर के बारे में हम इसके बाद हम फिर सनशाइन के बारे में भी आते हैं, हम सॉइल को ही सनशाइन से डिनोट करेंगे। अब ये बताइए, जहां सनशाइन किसको बोलते हैं, हम लोग का तो अगर देखा जाए कि हम लोग का जो अर्थ है, जो अर्थ हम लोग का रोटेट करता है, तो एक तरफ क्या होता है डे होता है और एक तरफ क्या होता है नाइट होता है, मतलब कि अर्थ के तीर तरफ जिधर हम लोग का ये सन का जो रोशनी पड़ेगा उसको डे बोलेंगे, और जिधर अर्थ जिधर सन का रोशनी नहीं पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, नाइट बोलेंगे। तो मतलब कि हम लोग का सनशाइन भी हम लोग का सॉइल पर ही डिपेंड है, सॉरी जो सॉइल है वो हम लोग का सनशाइन पर ही डिपेंड है। मान लीजिए अगर हम लोग का एक साल तक अगर हम लोग का धूप नहीं हो रहा है, मतलब कि जैसा बारिश के मौसम में रहता है वैसे अगर एक साल तक अगर बारिश रहे तो क्या वो पानी कितना भी रहेगा तो क्या वो सॉइल कभी फर्टाइल बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। तो इट्स मीन्स दैट हम सनशाइन के बारे में नहीं लिखे ना वाटर के बारे में, क्योंकि हमको आपको यहीं पर हम डिस्कस कर दे रहे, क्योंकि सनशाइन और वाटर भी इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। अगर सॉइल को अगर ये दोनों नहीं मिलेगा, और क्लाइमेट भी डिपेंड है, क्लाइमेट टेम्परेचर और टेम्परेचर भी, अगर हम लोग का टेम्परेचर किससे बढ़ेगा और किससे घटेगा,
सूरज का रोशनी से, अगर सूरज का रोशनी अगर बहुत तेज रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर सूरज का रोशनी कम रहेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो मतलब कि सॉइल पर भी इफेक्ट हो रहा है ना, ये हो गया। अब हम क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट से क्या होता है टेम्परेचर, मतलब कि जैसा क्लाइमेट हम लोग जैसा मौसम रहेगा वैसे ही हम लोग का टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है और घटता रहता है। जैसे अभी क्या है, अभी हम लोग का समर है, गर्मी है, तो क्या है टेम्परेचर हम लोग का बहुत ज्यादा है। अगर वही दिसंबर के मौसम में, दिसंबर में रहेंगे तो विंटर आ जाएगा, मतलब कि उस समय क्या हो जाएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, हम लोग का जो क्लाइमेट पर ही एग्रीकल्चर डिपेंड है, क्लाइमेट पर ही एग्रीकल्चर डिपेंड है। अगर हम लोग का जिस तरह का क्लाइमेट रहेगा, आप लोग देखें ना, रबी क्रॉप्स के लिए हम लोग का अलग क्लाइमेट चाहिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए, जायद क्रॉप्स के लिए हम लोग का अलग क्लाइमेट चाहिए। ये तीन तरह का जो क्रॉप सीजन रहता है उसका अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, तभी हम लोग का ये एग्रीकल्चर होता है। अब इसमें देखिए, सब हम लोग का टोपोग्राफी छोड़ करके ये सब एक साथ बी सी डी और ई एक साथ ये हमेशा क्या करेगा, वर्क करेगा। ये तो हम फिजिकल में बता दिए, अब इसके आगे ह्यूमन के बारे में बताते हैं कि क्या होता है ना। अब देखिए, अब हम लोग फिजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ चुके थे, अब ह्यूमन फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर में टेक्नोलॉजी होता है और एक क्या होता है पॉपुलेशन होता है, टेक्नोलॉजी और एक क्या होता है पॉपुलेशन। यहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, हम शॉर्ट में लिखे टेक्निक, मेनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स यूज, हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं बहुत तरह का मॉडर्न टेक्निक्स को क्या करते हैं यूज करते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, गर्मी लगा तो फैन ऑन कर लिया, अगर हम लोग को ट्रेवल करने एक दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तो हम लोग बाइक्स को यूज करते हैं, साइकिल को यूज करते हैं। ये क्या होगा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर पे हम लोग जो पहले हम लोग हल जोतते थे, आज हम लोग क्या करते हैं ट्रैक्टर से हम लोग उसको उस खेत को जोड़ते हैं, तो वो किस पर डिपेंड है हम लोग का टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अब हम लोग टेक्नोलॉजी के बाद आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है जनसंख्या। All the necessary things used by population, जितना भी हम लोग का necessary things है, मतलब कि raw material, agriculture, everything, earth में जो भी हम लोग का necessary things है, natural resources, agriculture, वो कौन use करेगा, population use करेगा। Population के सिवा और कोई भी उसको use नहीं कर पाएगा। क्या कोई जानवर हम लोग का हर टेक्नोलॉजी को यूज करता है क्या, उसको ट्रेंड किया जाता है तभी उसको यूज कर पाता है, वैसे हम लोग का वो यूज नहीं कर पाता है। अब यहां पर हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब आगे हम लोग और कुछ देखते हैं ना। अब देखिए, लैंड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, मतलब कि लैंड जो हम लोग का जमीन जो भूमि है वो हम लोग का कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, मतलब कि उसको हर कोई यूज कर सकता है। जैसे हम लोग चल रहे रोड में, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, या फिर कहीं घर पर बनाए वो हम लोग का प्रॉपर्टी, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का सारा प्रॉपर्टी होता है। जैसे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हम लोग कहां पर सेटअप कर सकते हैं, लैंड पर, लैंड के सिवा और कहीं सेटअप कर सकते हैं क्या, हम जाके हिमालय सियाचिन ग्लेशियर ये सब में सेटअप कर सकते, नहीं कर सकते। हम लोग इंडस्ट्री कहां पर सेटअप करेंगे, लैंड पर। कॉमर्शियल पर्पस, जो भी हम लोग का बेसिक इंडस्ट्री होता है या छोटा मोटा या कुछ भी हम लोग कॉमर्शियल पर्पस पर यूज करते हैं वो कहां पर हम लोग सेटअप करते हैं, लैंड पर सेटअप करते हैं। टाउन्स कहां पर सेटअप करते हैं, लैंड पर। सिटीज कहां पर सेटअप करते हैं, लैंड पर। प्लेग्राउंड कहां पर सेटअप करते हैं, लैंड पर। सर्वाइव कहां पर हम लोग करते हैं, लैंड पर। टेरेस्ट्रियल कहां पर करते हैं, लैंड पर। इसमें हम लोग इसलिए जमीन को ही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा गया है जो सबके लिए होता है। और हम लोग का माइंड से सब क्या हो गया, वो हम लोग का पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के वो क्या करता है उसको देखभाल करता है। क्या हम लोग को आदेश रहता है कि हम लोग जाके कोयला निकाल सकते हैं, नहीं, उस पर स्टेट गवर्नमेंट और किसका रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। लेकिन हम लोग ये सब जो है टाउन प्लेग्राउंड जहां पर कुछ नहीं रहता, जहां पर हम लोग खेती ये सब आराम से कर सकते हैं, वो क्या हो गया कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ अ रिसोर्स ना। अब हम लोग पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन। हम लोग लैंड का तो बहुत ज्यादा यूजेस कर रहे हैं, यूजेस कर रहे हैं, यूजेस कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा अगर लैंड यूजेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक समय खराब हो जाएगा, खराब होगा। जैसे हम लोग का, जैसे अभी हम लोग का कोविड 19 चल रहा है, तो क्या हो रहा है, जिस तरह हम लोग का प्रकृति का बहुत ज्यादा यूजेस कर रहे, बहुत ज्यादा यूजेस कर रहे तो बहुत ज्यादा, लेकिन आज हम लोग को प्रकृति का एक ऐसा शराब दिया जो हम लोग अपने घर के अंदर है और हम लोग का जितना भी जो जानवर है, जो जितने भी जानवर है बाहर रहने वाले वो आज आजाद घूम रहे और हम लोग कहां पर है पिंजरे पर कैद है, हम लोग घर से बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। नाउ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन से क्या हो रहा है, लैंड कन्वर्टेड इनटू इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब कि अगर ज्यादा से ज्यादा खेती कर रहे उसको रेस्ट नहीं दे रहे तो वो लैंड क्या हो जा रहा है, इनफर्टाइल हो जा रहा है, मतलब कि उपजाऊ, उसका उपजाऊपन क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है।
सेकेंड क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब कि इन्वायरमेंट पर भी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, गर्मी क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, पानी का भी संख्या क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। कौन सा पानी का संख्या बढ़ रहा है, समुद्र का पानी का संख्या बढ़ रहा है, पीने वाला पानी का संख्या घट रहा है और समुद्र का पानी का संख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है। हम लोग का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, हम लोग का जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी हम लोग का नेचुरल एक्टिविटी थिंग्स है वो क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। हम लोग का जितना भी जानवर है, मतलब की जितने भी एनिमल्स है वो क्या हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये तो पता है आपको। और आप लोग कमेंट बॉक्स में, और जो हम अपना नंबर दिए नंबर 9334325948, जो ये नंबर हम आपको जो दिए हैं इस पर आप लोग एक आंसर को जरूर सेंड कीजिएगा। लैंड डिग्रेडेशन नहीं, हाउ टू सेव आवर लैंड, क्वेश्चन यहां पर राइट डाउन कर लीजिए, हाउ टू सेव आवर लैंड। यहां से आपको नहीं पता चल रहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए, हाउ टू सेव आवर लैंड, इसका आंसर इस कमेंट में और यहां पर भी आना चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर भी। ओके, तो ये सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अच्छा से रहिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।